पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। ये कहानी है पल्लवी और निखिल की और उनके अपनों की। पल्लवी और निखिल सालों पहले एक दूसरे से अलग हो चुके हैं और इसी कारण इनके बच्चे बंट गए। पल्लवी के साथ बरखा, बादल और गगन रहते हैं और निखिल के साथ मन्ना और हर्ष हैं। ना निखिल के साथ रह रहे बच्चों को अपने माँ और भाई बहनों के बारे में पता है और ना ही पल्लवी के साथ रह रहे बच्चों को अपने बाप और भाई बहन के बारे में पता है। सालों बाद जब निखिल और पल्लवी को किस्मत एक साथ लाती है तो सारे घाव फिर से हरे हो जाते हैं। कस्टडी प्रोसेस के पेपर्स तुम्हें बहुत जल्द मिल जाएंगे। निक चाहता है कि उसके सारे बच्चे उसी के साथ रहे। अब बच्चों की कस्टडी को लेकर निक और पल्लवी आमने सामने हैं। क्या एक माँ ये लड़ाई जीत पाएगी? प्रॉपर्टी के पेपर्स तूने चुराए थे ना? पल्लवी ने तो ये कह भी रही थी, इसके नियत में खोट है। हाँ माँ, लेकिन मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये ऐसा करेगा। अरे कैसे पेपर्स? अरे छोटे भाई, तुम्हारी मम्मी ना ये घर का लीज रिन्यू कराना ही भूल गई। घर सेल पे था और मैंने खरीद लिया और अब इस घर का ओनर मैं हूं। मिलिए इस घर के नए ओनर से, हर्ष जैसे। और इस घर का ओनर होने के नाते मैं तुम में से किसी को भी यहां पे रहने नहीं दे सकता। सिर्फ एक जन यहां रह सकता है, मेरी प्यारी नानी। Everyone, get out of my house. Get out. नंदी, आंखें बंद मत करना, आंखें खुली रखो। You're listening to me, ना? आंखें बंद मत करना। निक, जल्दी। Yeah, don't worry. बादल, यहाँ पर सबसे करीब कौन सा हॉस्पिटल है? श्री साई हॉस्पिटल बस पास में ही है। नो, मुझे वो ग्लोबस हॉस्पिटल जाना है। डॉक्टर्स मुझे छोड़ते हैं निक, प्लीज मान ले चलो। नंदी तुम क्या बात कर रही हो? वो हॉस्पिटल बहुत दूर है। इट डज नॉट मैटर, मुझे वहीं लेकर चलो निक, प्लीज। ओके, रिलैक्स। मैं वहां पर किसी से बात करता हूँ। मेरा फोन है। क्या हुआ? बाबा देखो। हाँ गॉड, मैं अपना फोन कैफे में ही भूल गया। मेरा फोन मुझे तुम ठीक हो ना? मेरा सिर। वाह, मेरा सिर। नैंडी, आर यू ओके? नैंडी, निक, डॉक, जल्दी। जस्ट होल्ड ऑन नैंडी, आंखें बंद मत करो प्लीज। अब तक तो गुलाटी हाउस में तमाशा पीक पर पहुंच चुका होगा, बस थोड़ी देर ये स्ट्रेस और देना पड़ेगा तुम्हें निक। फोन क्यों नहीं उठा रहे? साले धोखेबाज, तूने मुझे दुनिया भर की पट्टी पढ़ाई अपनी तरफ करने के लिए ताकि मैं पापा के साइड हो जाऊं। तूने सगे भाई का झूठा प्यार दिखा रहा था ना? तू भाई, तेरी वजह से मैं न्यूयॉर्क जाने के लिए मान गया था। कहां न्यूयॉर्क जाना चाहता था? तूने क्या किया ये? लड़े हो क्या किया तूने ये? ओ शट अप, जो इतने साल अपने भाई बहन के साथ रहकर उनका सगा नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा? हाँ खेला मैंने तेरे साथ एक खेल,
लेकिन तू तो पहले से खिलाड़ी था ना। यू सेल्फिश मोरॉन, चुप हो जा। दिखा दी ना मैं तुझे तेरी असली जगह, मेरा टी सड़कों में। जाओ जाकर भीख मांगो आप। लीव। बहुत नफरत भरी है ना तुम्हारे अंदर, अपने पास नहीं रख पाई तुम्हें, उतना प्यार नहीं दे पाई जितना बाकी बच्चों को मिला है। पर ये सब जो खड़े हैं ना, उनसे खून का रिश्ता है तुम्हारा, तुम्हारे भाई बहन है हर्ष। और मैं अच्छी हूं या बुरी, तुम्हारी मां हूं। खुद को मेरी मां मत कहो। क्यों नहीं, मां हूं तो मां ही कहूंगी ना। मैंने पैदा किया है तुम्हें हर्ष, नो मैंने अपने पेट में रखा, कुछ साल अपने पास रखा और कई सालों तक दूर रखना पड़ा मुझे। अब इसे मेरी मजबूरी समझकर मुझसे प्यार करो या फिर मेरा स्वार्थ समझकर मुझसे नफरत करो, पर मां तो मैं ही रहूंगी तुम्हारी। बदल सकते हो इस सच को? तुम्हारे अंदर जो खून दौड़ रहा है क्या उसे बदल सकते हो? सुना हर्ष, तुम्हारे अंदर मेरा खून है। इस खून का मैं कुछ नहीं कर सकता, पर आपको मैंने अपनी मां ना कभी माना था ना कभी मानूंगा। आप मेरी मां नहीं है। माना तुम मुझे मां नहीं मानते, लेकिन तुम मेरे बेटे ही रहोगे। मां 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 मा। मा, 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 मा। इसे आपकी डिक्शनरी में मां वर्ड का मतलब क्या है? वो जो बच्चों को जन्म देती है या जो उनको पैदा करके छोड़ देती है, बताइए ना क्या हुआ? कुछ कह क्यों नहीं रही हैं आप मां? के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।